पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है और यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हैं तो वह एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। साथ ही यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अब आइए इसे ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज के कुछ गुणों के बारे में और हम समांतर चतुर्भुज पर आधारित कुछ प्रश्न का हल करेंगे। एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी वह एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में विभाजित कर देते हैं। आइए इसका प्रमाण करते हैं। सामने प्रस्तुत चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए कोण ADB और कोण CBD एकांतर कोणों का एक युग्म है और बराबर हैं। इसी तरह कोण DAC एवं कोण BCA भी बराबर होने चाहिए और AD और BC सम्मुख भुजाएं हैं, इसलिए यह दोनों बराबर हैं। तो ASA सर्वांगसमता नियम के अनुसार त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COB सर्वांगसम त्रिभुज हैं। इस सर्वांगसमता की वजह से AO CO के बराबर है और DO BO के बराबर है, अर्थात समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। आइए इस प्रमेय का भी हम प्रमाण करते हैं। प्रस्तुत चतुर्भुज ABCD में दिया है कि OC और OA बराबर हैं और OD OB के बराबर है। आप देख सकते हैं कि कोण DOA और कोण BOC शीर्षाभिमुख कोणों का एक युग्म है, इसलिए यह बराबर है। तो SAS नियम के अनुसार त्रिभुज AOD और त्रिभुज COB सर्वांगसम त्रिभुज हैं। इसका मतलब कोण ADO कोण CBO के बराबर है और कोण DAO कोण BCO के बराबर है। चूंकि यह एकांतर कोणों के युग्म है, हम कह सकते हैं कि AD और BC समांतर भुजाएं हैं। इसी प्रकार यह दर्शा सकते हैं कि त्रिभुज DOC और त्रिभुज BOA सर्वांगसम त्रिभुज हैं और AB और CD भी समांतर भुजाएं हैं। दोनों सम्मुख भुजाओं के युग्म समांतर हैं, इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रश्न एक, दर्शाइए कि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। आइए देखते हैं इसे कैसे हल किया जाए। प्रस्तुत चतुर्भुज ABCD एक सम चतुर्भुज है, इसलिए इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए OA OC के बराबर होगा। तो SAS नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOD एवं त्रिभुज COD सर्वांगसम त्रिभुज हैं। इसका मतलब कोण AOD एवं कोण COD का मान बराबर है। अब क्योंकि AOD और COD एक रैखिक युग्म बनाते हैं, हमें पता है कि इन दोनों का मान 180 डिग्री है। COD और AOD बराबर भी हैं, इसलिए AOD का मान हमें पता चलता है कि 90 डिग्री होगा। इसलिए इस सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब हैं। प्रश्न दो, दर्शाइए कि एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। प्रस्तुत समांतर चतुर्भुज ABCD के कोणों के समद्विभाजक एक चतुर्भुज PSRQ बनाते हैं।
हम यह दर्शाना चाहते हैं कि यह एक आयत है। आइए जानते हैं कैसे। त्रिभुज एएसडी में आप देख सकते हैं कोण डीएएस ए का आधा भाग है और कोण एडीएस कोण डी का आधा भाग है। तो इन दोनों का योग हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कोण ए और डी का योग हम जानते हैं कि 180 डिग्री होना चाहिए क्योंकि एबी और सीडी सम्मुख भुजाएं हैं और ये समांतर हैं। इसलिए कोण डीएएस और कोण एडीएस का योग 90 डिग्री आता है। साथ ही क्योंकि त्रिभुज का कोण योग गुण भी 180 डिग्री होता है तो हम जानते हैं कि कोण डीएएस कोण एडीएस और कोण डीएसए का योग 180 डिग्री आएगा। तो अब इसको अगर हम यहां डाल दें तो कोण डीएसए हमको पता चलता है कि 90 डिग्री होगा। इसका मतलब कोण पीएसआर भी 90 डिग्री होना चाहिए क्योंकि यह दोनों शीर्ष अभिमुख कोण है। इसी प्रकार हम चतुर्भुज PQRS के सभी कोणों के लिए दर्शा सकते हैं कि वे समकोण हैं, अर्थात PQRS एक आयत है। प्रमेय 3। यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर एवं समांतर हो तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। आइए इसका प्रमाण देखते हैं। प्रस्तुत चतुर्भुज एबीसीडी है जिसमें एबी एवं सीडी सम्मुख भुजाएं हैं और बराबर हैं और एसी सीए के बराबर होना ही चाहिए। कोण डीसीए एवं कोण पीएसी बराबर कोण होंगे क्योंकि यह दोनों एकांतर कोण हैं। तो एसएएस नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज सीडीए सर्वांगसम है। इसका मतलब कोण डीएसी एवं कोण बीसीए भी बराबर होने चाहिए, अर्थात बीसी और एडी समांतर भुजाएं हैं। हम ये दर्शा चुके हैं कि एबीसीडी की सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हैं, अर्थात एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। प्रश्न 3। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें पी और क्यू सम्मुख भुजाओं एबी और सीडी के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि एपीसीक्यू डीपीबीक्यू एवं पीएसक्यूआर सभी समांतर चतुर्भुज हैं। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में पी और क्यू सम्मुख भुजाओं एबीसीडी के मध्य बिंदु हैं। चतुर्भुज एपीसीक्यू में हम देखते हैं कि एपी एबी का आधा भाग है और क्यूसी सीडी का आधा भाग है। इसलिए एपी और क्यूसी समांतर होने चाहिए। एबी और सीडी सम्मुख भुजाएं होने के कारण बराबर हैं, इसलिए एपी और क्यूसी भी बराबर भुजाएं हैं। तो हम ये दर्शा चुके हैं कि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर एवं समांतर है, अर्थात एपीसीक्यू एक समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार हम दर्शा सकते हैं कि डीपीबीक्यू भी एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि डीक्यू पीबी के समांतर और बराबर है। अब चतुर्भुज पीएसक्यूआर में हम देखते हैं कि एसपी और क्यूआर समांतर हैं क्योंकि डीपी और बीक्यू समांतर भुजाएं हैं एवं एसक्यू और पीआर भी समांतर भुजाएं हैं क्योंकि चतुर्भुज एपीसीक्यू में
AQ और PC समांतर भुजाएं हैं। सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होने के कारण PRQS एक समांतर चतुर्भुज है। आज हमने सीखा कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। यदि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर एवं समांतर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। और हमने कुछ प्रश्नों के हल किए।